और रूस यूक्रेन जंग की बात करते हुए बता दें, यूक्रेन ने रूस में किए अब तक के सबसे बड़े हमले में कितने शहरों को निशाना बनाया। क्या रूस के एयरबेस पर हमलों में नाटो भी शामिल है? एस्टोनिया की सीमा के पास से हमले के बाद क्या अब रूस और नाटो के बीच सीधे टकराव का खतरा बढ़ गया है? वॉरफ्रंट से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखिए रूस वर्सेस यूक्रेन टॉप 9। यूक्रेन ने रूस की सीमा के भीतर बीते 18 महीने में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। उत्तर पश्चिम इलाके पस्कोव में यूक्रेन ने कम से कम 20 ड्रोन दागे हैं। यूक्रेन के इस बड़े हमले से पूरा इलाका दहल गया। सैन्य हवाई क्षेत्र में किए हमले में रूस की 4 बड़े एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए। हमले में कई इमारतों में आग भी लग गई। कि पस्कोव में रूसी एयरबेस पर हमला किया गया। बाल्टिक देश एस्टोनिया की सीमा से यह हमला किया गया है। शक की सुई नाटो पर भी है, लेकिन अभी तक कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। रूस पर यह बड़ा हमला वैगनर चीफ प्रिगोजिन के अंतिम संस्कार होते ही किया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन ने बीती रात रूस के 6 इलाकों में ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। ब्रयांस्क, कालुगा के साथ मॉस्को रीजन के एक इलाके में भी हमले किए गए। यूक्रेन के इस हमले में भारी तबाही हुई। रूस ने पस्कोव से सभी उड़ानें रद्द कर दी है। इमरजेंसी सर्विस को भी अलर्ट कर दिया गया है। रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव को एक बार फिर ड्रोन अटैक कर दहला दिया है। रूसी सेना ने बीती रात कीव पर कई ड्रोन हमले किए। यूक्रेनी सांसद का दावा है कि रूस ने कीव पर मिसाइल से भी हमला किया है। रूस के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। बैटलफील्ड से रूस के अटैक हेलीकॉप्टर के एक्शन का वीडियो सामने आया है। रूसी Mi हेलीकॉप्टर यूक्रेनी फौज के मजबूत सैन्य ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। रूस के इस हमले में यूक्रेनी ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। जंगलों के बीच में बने रूसी सैन्य डिपो पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। यूक्रेन ने टोही ड्रोन से पहले रूसी डिपो की रेकी कर पोजीशन का पता लगाया, फिर रूसी डकआउट पर जोरदार हमला किया। यूक्रेन के हमले के बाद रूसी कैंप में जोरदार धमाका हुआ और पूरा इलाका धुएं के गुब्बार से ढक गया। बैटल ग्राउंड में यूक्रेनी सेना काफी आक्रामक दिख रही है। रूस के हवाई हमलों का करारा जवाब दे रही है। यूक्रेनी लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने दुश्मन के ठिकानों पर हवाई हमला कर भारी बमबारी की। इस हमले में रूस के कई पोस्ट तबाह हो गए। रूसी कंट्रोल वाले बखमुत को आजाद कराने के लिए यूक्रेनी फौज ने एक बार फिर से हमले को तेज कर दिया है। बखमुत में यूक्रेनी टैंक ब्रिगेड ने रूसी सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। यूक्रेन के चक्रव्यूह में रूसी सेना फंस गई। यूक्रेन के हमले में रूसी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई रूसी जवान घायल भी हो गए हैं। बखमुत में चल रहे भीषण जंग के बीच चेचन्य फौज की सबसे खतरनाक ब्रिगेड अखमत ब्रिगेड ने क्लेशसीवका में यूक्रेनी फौज के कब्जे से एक इलाका छीनने का दावा किया है। यहां हुई भीषण जंग का वीडियो रूसी सेना ने जारी किया है। अखमत ब्रिगेड के हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का भी दावा किया गया है।